टेक्सील डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 192। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जीएसटी रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। यदि आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जीएसटी रिफंड को। पहला पार्ट है कि आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है बिना जीएसटी के पेमेंट के, लेकिन उन सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने से पहले आपने इंडिया से कुछ सर्विसेज ली जिसके ऊपर कि आपको जीएसटी पे करना पड़ा, तो आप उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। दूसरा केस है कि आपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है विद आईजीएसटी पेमेंट, यानी कि जीएसटी की पेमेंट करने के बाद आपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है, तो आप रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है बिना आईजीएसटी की पेमेंट के, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को जो है कॉम्प्लाई करना होगा। सबसे पहले तो आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जीएसटी पोर्टल पर, gst.gov.in की वेबसाइट पर। यह एप्लीकेशन आपको RFD-1A फॉर्म में फाइल करनी है। इस एप्लीकेशन में आपको जीरो रेटर सप्लाई के टर्नओवर को मेंशन करना है, एडजस्टर टोटल टर्नओवर जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हुई है उसे मेंशन करना है, और नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड उसे मेंशन करना है। ये सभी फिगर्स उस टैक्स पीरियड के लिए होंगी जिसके लिए कि आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। इसके बाद सिस्टम एलिजिबल रिफंड को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा और जो टेबल यहाँ पे दिया गया है उसके लास्ट कॉलम में से पोस्ट कर देगा। एप्लीकेंट को यह इंश्योर करना है कि वह GSTR-3B जो है रेलेवेंट टैक्स पीरियड के लिए वह फाइल कर दे, और उसके बाद ही रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करें। इसके अलावा उसे यह भी इंश्योर करना है कि बैलेंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में वह सफिशिएंट होना चाहिए हर हेड में, IGST, CGST, SGST, UTGST, SS। इसके अलावा टैक्स पेयर को यह भी इंश्योर करना है कि उसने सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर दिया हो जिसके लिए कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में टैक्स पेयर को बैंक से FIRC या फिर BRC जो सर्टिफिकेट है, यानी कि बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, वह लेना होगा। एक बार जब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाती है जीएसटी पोर्टल से, उसके बाद एप्लीकेंट को इसका प्रिंटआउट लेना है, और जो ज्यूडिशियल अथॉरिटी है वहाँ मैन्युअली इसे सबमिट करना है, और जो रिलायड डॉक्यूमेंट है उनके साथ इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि आप GSTR-3B को फाइल करने के बाद ही जो रिफंड एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं RFD-01A में। यदि मैं जीएसटी का रिफंड फाइल करता हूँ ITC रिफंड, तो मुझे कौन से रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एप्लीकेशन के साथ। इसके साथ आपको ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जो कि CGST या SGST रूल्स में नोटिफाई किए गए हैं, और जो रिफंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी को चाहिए ताकि वे आपका रिफंड रिलीज कर सके। जीरो रेटर सप्लाई टर्नओवर का क्या मतलब है? जीरो रेटर सप्लाई टर्नओवर का मतलब है कि यदि आप किसी मंथ या पीरियड के लिए रिफंड क्लेम कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो जो आपने उस मंथ या पीरियड में टोटल सप्लाईज की है एक्सपोर्ट की, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो आपने एक्सपोर्ट किया है, यह वही वैल्यू होगी जो कि आपने अपने GSTR-3B में दिखाई है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का क्या मतलब है? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब है कि जिस मंथ या पीरियड में आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं उस पीरियड में आपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो टोटल सप्लाई की है, लेकिन इसमें एग्जम्प्टेड सप्लाई ऐड नहीं होगी, उसके एक्सक्लूड किया जाएगा। इस वैल्यू को आप अपनी GSTR-3B में भी दिखाते हैं रेलेवेंट टैक्स पीरियड में। नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? नेट ITC का मतलब है कि जिस मंथ या पीरियड के लिए रिफंड क्लेम किया जा रहा है उस पीरियड या मंथ में टैक्स पेयर ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में, यह वही अमाउंट होगा जो कि टैक्स पेयर ने अपने GSTR-3B की रिटर्न के टेबल 4 में दिखाया है। यदि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ बिना IGST के पेमेंट के, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड फाइल करने के लिए एप्लीकेशन किस प्रकार सबमिट कर सकता हूँ?
इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, gst.gov.in, वहाँ जाके आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आपको सर्विसेज टैब में जाना है, रिफंड टैब में जाना है और एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सर्विसेज टैब में जाना है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको सिलेक्ट द रिफंड टाइप जो पेज है वो डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपको रेडियो बटन को क्लिक करना है। रिफंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर और मंथ जो है रेलेवेंट वो सिलेक्ट करना है और क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक जो टेबल है वो ओपन हो जाएगा, कॉम्पिटिशन ऑफ रिफंड टू बी क्लेम्ड। यहाँ आपको जो टर्नओवर है, जीरो डेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, वो मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको हर कॉलम के सामने जो है सेम टर्नओवर मेंशन करनी है। इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस, यहाँ पे जो जीरो डेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की टर्नओवर है वो हर रो में आपको ये सेम टर्नओवर एंटर करनी है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड टैक्स सेपरेटली मेंशन करना है, सेंट्रल टैक्स यहाँ पे मेंशन करना है, स्टेट टैक्स मेंशन करना है और सेस मेंशन करना है। उसके बाद आपको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर भी जो है वो सेम मेंशन करनी है ईच रो में। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको ये जो अमाउंट है सेस का और टैक्स का, इसको क्लब नहीं करना है, इसको सेपरेटली मेंशन करना है। इसके बाद जो रिफंड है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो रिफंड है वो रूल 89(4) ऑफ CGST एंड UTGST रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। रिफंड अमाउंट का मतलब है कि जो मैक्सिमम रिफंड अमाउंट आपको एडमिसिबल होगा वह है। नेट ITC का मतलब है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज पर रेलेवेंट पीरियड में अवेल किया है वह अमाउंट। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटर सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है कि जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट की हैं, यानी कि जीरो रेटर सप्लाई की हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और टर्नओवर ऑफ जीरो रेटर सप्लाई का मतलब है कि अपने जो जीरो रेटर सप्लाई की है सर्विसेज की बिना टैक्स की पेमेंट के अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इसे इस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा। जो जीरो रेटर सप्लाई के लिए आपने एग्रीगेट पेमेंट रिसीव की है रेलेवेंट पीरियड में, जिसके लिए कि आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, और इसके अंदर वह अमाउंट भी ऐड किया जाएगा जिसके लिए कि सप्लाई जो आपने करंट पीरियड में कंप्लीट की है लेकिन पेमेंट आपने एडवांस में पहले रिसीव कर ली थी, और इसमें से उस अमाउंट को रिड्यूस किया जाएगा जिसके लिए कि पेमेंट आपने रिसीव कर ली है लेकिन सप्लाई अभी तक जो है कंप्लीट वो नहीं हुई है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब है कि जो टर्नओवर आपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी में की है एज पर सेक्शन 2(112) ऑफ CGST Act, इसमें से जो एग्जम्प्ट सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। रेलेवेंट पीरियड का मतलब है कि वह पीरियड जिसके लिए कि आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। जैसे ही आप टेबल 3A फिल कर देंगे, उसके बाद एलिजिबल अमाउंट ऑफ रिफंड ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे जो टेबल 3A के अंदर जो फर्स्ट कॉलम दिया गया है वैल्यू ऑफ, सेकंड कॉलम दिया गया है वैल्यू ऑफ रिफंड अमाउंट एज पर स्टेटमेंट 3A, ये वह अमाउंट है जो अपने 3A के कॉलम नंबर 4 में भरा है, वहाँ से ये अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड कॉलम दिया गया है बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वह जो आपने करंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर है वहाँ से जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड जो फोर्थ कॉलम है आपका, यहाँ पे वह अमाउंट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपने अवेल किया है वह यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो रिफंड अमाउंट है वो वहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा कॉलम नंबर 5th में। जैसे ही आप ये टेबल फिल कर देंगे तो एलिजिबल अमाउंट ऑफ रिफंड आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। यह जो 5th कॉलम में अमाउंट दिया गया है, ये इन 3 कॉलम्स में जो अमाउंट दिया गया है उनमें से सबसे जो कम होगा वो यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट में आ जाएगा, यानी कि 100, 0 एंड 100, जो सबसे लोएस्ट अमाउंट वो 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। 100, 43, 100, 32, 100, इन तीनों फिगर में से जो सबसे लोएस्ट फिगर है वो 100 है, तो 100 अमाउंट जो है एलिजिबल का यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। यदि आप किसी और बैंक में ये अमाउंट चाहते हैं रिफंड का, तो आपको
जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में जाना है, नॉन कोर फील्ड में जाके अमेंडमेंट करनी है और नए बैंक को ऐड करना है। उसके बाद आप ये फॉर्म जो फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं। यदि आप इसे सेव कर देते हैं तो ये जो अमाउंट है वो 15 डेज़ के लिए सेव रहेगा, और यदि आप 15 डेज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करते हैं तो ये जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी के डेटाबेस से पर्ज हो जाएगा। यदि आप इसे प्रोसीड करते हैं तो आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करने के बाद। उसके बाद आपको ऑथराइजेशन करनी है इसकी, यहाँ से ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और यदि आप ईवीसी से वेरीफाई कर रहे हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है। जैसे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है आपको प्रिंट आउट लेना है और अपनी ज्यूरिडिक्शनल अथॉरिटी के पास जाना है और मैन्युअली इस एप्लीकेशन को फाइल करना है, और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अटैच करने हैं इसके साथ। जैसे ही एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें से जो अमाउंट रिफंड का आपने क्लेम किया है वो डेबिट हो जाएगा। इसके लिए आप सर्विसेज टैब में जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को चेक कर सकते हैं। क्या मैं रिफ़ंड एप्लीकेशन को सेव कर सकता हूँ? जी हाँ, आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को किसी भी स्टेज पर सेव कर सकते हैं। ये 15 दिन के लिए सेव रहेगी। यदि आप इसे 15 डेज में सबमिट नहीं करते हैं तो ये जीएसटी के डेटाबेस से पर्ज हो जाएगी। आप अपने सेव्ड एप्लीकेशन को दोबारा व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है, रिफंड टैब में जाना है, माई सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन कमांड पर क्लिक करना है। मैं रिफंड एप्लीकेशन को किस प्रकार ट्रैक कर सकता हूँ? आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर जाना है, सर्विसेज टैब में जाना है, रिफंड में जाना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। यदि आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है जीएसटी की पेमेंट के साथ तो आप उसका रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं, इसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, जीएसटी न्यूज़ पार्ट 191। इसका लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं जीएसटी रिफंड से रिलेटेड। यदि आपकी जीएसटी रिफंड से रिलेटेड कोई और क्वेरी है या आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र करें। यहाँ पे आप व्यू मोर करेंगे तो आपको जीएसटी रिफंड से रिलेटेड वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी रिफंड, यहाँ पे आप टॉपिक वाइज जो है वीडियोस को देख सकते हैं जीएसटी रिफंड से रिलेटेड। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुँचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज कर दी गई हैं, जीएसटी रेडी रेकनर, जीएसटी मैनुअल विद जीएसटी लॉ गाइड, जीएसटी टैरिफ विद जीएसटी रेट रेकनर। इन सभी बुक्स के अंदर वे नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी 2018 तक इशू किए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सभी बुक्स का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।